Oh, you want to play? Let's play. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चोजी और आप देख रहे हो चोजी गेमिंग चैनल। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है वैलोरेंट के करेक्टर्स को लेके। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वैलोरेंट के करेक्टर फीनिक्स के बारे में। तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं एक छोटी सी चैनल इंट्रो के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे फीनिक्स भाई साहब है कहाँ से और ये कैसे दिखते हैं। हमारे फीनिक्स भाई साहब यूके नहीं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, यूके मतलब ये यूनाइटेड किंगडम से हैं और ये एक मेल करेक्टर है और ये वैलोरेंट के अंदर एक ड्यूलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। और इनकी थूथ पता नहीं क्यों काली सी है यार, वैसे यूके में बहुत ही सुंदर सुंदर से लोग होते हैं, इनकी थूथ पता नहीं क्यों काली सी है, लेकिन कोई बात नहीं, इनके पास काफी अच्छी एबिलिटीज हैं। तो हम इनकी एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक एबिलिटीज के बारे में। तो इनके पास जो सबसे पहले बेसिक एबिलिटी है तो वो है हमारे पास ब्लेज, जो कि सी से यूज होती है। ब्लेज का एक्चुअली काम क्या रहता है, एक तरह की वॉल बन जाती है, मतलब एक आग वाली वॉल बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि आग सी लग जाती है और सीधी ये बॉल बन जाती है और आप इसे कर्व भी कर सकते हो, इधर उधर घुमा के माउस को कर्व भी हो जाती है ये। और ये 8 सेकंड के लिए रहती है। इसका मेन काम क्या रहता है कि ये दीवार के ना तो कोई आर पार देख सकता है, पहला फायदा तो ये होता है इसका। और दूसरा फायदा ये होता है कि अगर एनिमी इसके कोई पास आएगा तो उसको डैमेज पड़ेगा, अगर इस दीवार से टच होगा एनिमी तो उसको डैमेज पड़ेगा। और तीसरा फायदा इसका यह है कि ये फीनिक्स को हील करती है। तो ये बहुत ही अच्छी एक एबिलिटी है ब्लेज, जो सी से यूज होती है और ये 8 सेकंड के लिए रहती है और इसकी कॉस्ट 200 क्रेडिट्स होती है। एक टाइम पे आप एक इसको साथ में रख सकते हो। अगर हम बात करें दूसरी बेसिक एबिलिटी के बारे में तो वो आ जाती है फिनिक्स के पास कर्व वॉल। ये भी काफी अच्छी एक एबिलिटी है। इसका काम क्या रहता है, ये एक्चुअली एक तरह का चुटकी मार के ये एक थोड़ी सी एक बॉल सी निकालता है और ये आगे छोड़ देता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। इसका काम बेसिकली ये रहता है कि जो भी इसको देखता है, इस बॉल की तरफ देख रहा होता है, उसको ये ब्लाइंड कर देती है, मतलब अंधा कर देती है जब भी किसी के पास लगती है। अगर आपके पास ही रह जाती है ये बॉल, मतलब आपकी नजर में रह जाती है, तो आपको भी ये ब्लाइंड कर देगी। इसका ड्यूरेशन तो काफी कम रहता है, 1.1 सेकंड ही रहता है, लेकिन अगर इसकी तरफ कोई देखता है ना तो वो 2-3 सेकंड के लिए अंधा हो जाता है और उसको मारने का हमारे पास चांस रहता है। और ये क्यू से यूज होती है। इसकी जो कॉस्ट है वो 200 क्रेडिट्स है और एक टाइम पे आप दो दो इनको साथ रख सकते हो कर्व बॉल को और इसको यूज कर सकते हो। तो बेसिक एबिलिटी के बारे में बात होगी, अब हम बात करेंगे सिग्नेचर एबिलिटी के बारे में। तो जो सिग्नेचर एबिलिटी आती है फिनिक्स के पास वो है इसकी हॉट हैंड्स। हॉट हैंड्स से क्या होता है, एक्चुअली ये भी एक तरह की मॉली होती है, जैसे ब्रिमस्टोन की होती है, वैसे ही इसके भी एक मॉली होती है। आग लगा देता है ये किसी पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पे ये मॉली गिरती है वहाँ पे आग लग जाती है। इससे क्या होता है, इससे भी दो फायदे होते हैं आपको, एक तो अगर वहाँ पे कोई एनिमी होगा उसको डैमेज पड़ेगा काफी अच्छा मॉली वाला, और दूसरा फायदा इसका ये होता है कि अगर फिनिक्स इसमें जाएगा इस मॉली के अंदर तो उसको हील मिलेगा। लेकिन इसकी ड्यूरेशन काफी कम टाइम के लिए रहती है, सिर्फ 4 सेकंड के लिए रहती है, लेकिन ये अच्छा खासा हील कर देता है फिनिक्स को, तो अपने आप को हील करने के लिए भी काम आती है ये फिनिक्स को, और अगर सामने एनिमी है तो उसको भी डैमेज दे देती है ये, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है ये बिल्कुल फ्री रहती है और ये रिचार्ज होती रहती है, क्योंकि ये एक सिग्नेचर एबिलिटी है, तो ये थोड़े थोड़े टाइम बाद रिचार्ज होती रहती है। अब हम बात करेंगे फीनिक्स की अल्टीमेट एबिलिटी के बारे में, जो कि है रन इट बैक। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये काफी अच्छी एक एबिलिटी है, मतलब रन इट बैक मतलब ये वहीं पे वापस आ जाता है, यहाँ ये अल्टीमेट यूज करता है। आप अल्टीमेट आप एक्स से यूज कर सकते हो, ये तो आपको पता ही होगा, मतलब यहाँ पे आप अल्टीमेट यूज करोगे, एक्स दबाओगे तो उसके 10 सेकंड बाद मतलब बंदा वहीं पे वापस आ जाएगा, तो उन 10 सेकंड के अंदर आप आगे जा सकते हो या कहीं भी जा सकते हो, आप एनिमीज पे रश कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 10 सेकंड बाद उसी जगह पे आप वापस आ जाओगे। और इसके लिए आपको 6 ORBS पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ये भी काफी अच्छी एक एबिलिटी है। आप इसे रश करने के लिए यूज कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप आगे जाके रश करके एनिमीज को मार सकते हो तो आप रश करने के लिए इस एबिलिटी का यूज कर सकते हो। तो ये सारी फिनिक्स की एबिलिटीज थी। अब हम बात करते हैं कि फिनिक्स किन लोगों के लिए बना है। देखो यार, फिनिक्स एक ड्यूलिस्ट का रोल प्ले करता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिनिक्स को किस तरह यूज करते हो। आप इससे रश भी कर सकते हो, मिड में रह के भी खेल सकते हो और पीछे रह के भी खेल सकते हो, कैसे भी खेल सकते हो। फिनिक्स एक काफी अच्छा और ये अपने आप को भी हील कर लेता है, इसीलिए भी अच्छा, और एनिमीज को भी डैमेज करने की इसके पास एबिलिटीज रहती हैं, तो ये काफी अच्छा मतलब एक बैलेंस सा करेक्टर आ जाता है वैलोरेंट के अंदर, आप इसे यूज कर सकते हो। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।